कर दें। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। दो तीन महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज आपसे वार्ता करेंगे और तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो पिछले वीसी पे हमने आपको बताया था कि लगातार पुलिस विभाग के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण और बाकी पुलिस के सभी कार्यों के लिए पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए उच्चतर प्रभार दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके तहत कल देर रात्रि में ही पुनः कुछ पदों पर हम लोगों ने प्रोन्नति दी है। स्थिति इस प्रकार है, पहले हम लोगों ने ASI से पुलिस सब इंस्पेक्टर के 3,279 पदों पर उच्चतर प्रभार के लिए कार्यकारी व्यवस्था के तहत आदेश निर्गत किया था। कल देर रात्रि में 1,816 पदों पर और प्रभार देने की सूची समीक्षोपरांत निर्गत कर दी गई है। इस प्रकार से ASI से दरोगा अर्थात पुलिस अवनिरीक्षक के पदों पर अब तक कुल 5,095 पदों पर उच्चतर प्रभार के तहत आदेश निर्गत किया गया है। सिपाही से ASI तक पिछले फ्राइडे को 365 का निर्गत किया गया था द्वितीय सूची। कुल अभी तक 3,050 सिपाही से ASI के पदों पर और अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के 1,168 पदों पर, यानी कुल तीनों रैंक के अगर पद मिला दें तो सिपाही से ASI 3,050, ASI से सब इंस्पेक्टर 5,095 और अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक 1,168, कुल 9,313 पदों पर उच्चतर प्रभार दे दिया गया है। कुछ संख्याएं अभी बची हुई हैं जिनकी सेवा पुस्तिका और गहन अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच होने के उपरांत जैसे ही कुछ क्लियरेंस होगा हम नई सूची जारी करेंगे। ये हमारा लक्ष्य भी था कि लगभग 10,000 से 11,000 पदों पर हम फिट पाते हुए जांचों परांत जो उसकी अर्हताएं हैं उसके अनुसार जांच करेंगे और जो फिट होगा उसको हम लोग प्रोन्नति देंगे। तो ये हमारी आज की सूचना। उसके अलावा आपको दो घटनाएं इधर हुई हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी और अदरवाइज भी आप लोगों से ये जानकारी मिली कि आप लोग जानना चाहते थे। दो घटनाएं हुई हैं, दोनों शराब से संबंधित हैं। गोपालगंज के कटैया थाना अंतर्गत 7 अक्टूबर को प्रातः करीब 5:30 बजे उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे एक बाइक पर सवार दो युवक पुलिस गश्ती को देखकर तेजी से भागने लगे और इस क्रम में उन्होंने दीवार में जाकर के एक्सीडेंट कर गए और इस क्रम में दोनों बाइक सवार जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल जो थी उनकी UP नंबर की उसको भी पुलिस ने जब्त किया। विदेशी शराब और अन्य जो पैकेज शराब थी 45 पीस वो और विदेशी शराब 77 पीस। विदेशी शराब का जो मॉडल था उसका नाम था 8PM और जो देशी शराब जो पैकेज्ड थी उसका नाम था बंटी बबली। इसकी सब बोतल वहां से जब्त की गई और जख्मी युवक को अस्पताल से इलाज कराकर उसका कांड भी दर्ज किया गया। पकड़ाए गए अभियुक्त पंकज कुशवाहा जो जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिनका गांव लक्ष्मीपुर बाबू थाना तमकुही राज है, उसके द्वारा बताया गया कि तबीयत खराब है तो उसको फिर रेफरल अस्पताल कटैया भेजा गया जहां पर पंकज कुशवाहा की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का नियमानुसार जो विधिक प्रक्रिया है और जो SOP है उसके तहत अंत परीक्षण कराया गया है और अब आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी। दूसरी घटना भी शराब से संबंधित है जिसमें 6 अक्टूबर को रात्रि करीब 8 बजे सारण जिला के कोपा थाना अंतर्गत मद्य निषेध की एक छापामारी थी। मद्य निषेध विभाग उत्पाद विभाग की एक टीम वहां गई थी छापामारी के लिए और वहां पर छापामारी के क्रम में कुछ ग्रामीणों का विरोध भी हुआ और उस क्रम में एक सुरेश सिंह पिता स्वर्गीय भरत सिंह साकिन खैरवार थाना रिवलगंज जिला सारण की जो है मृत्यु हो गई। इस ग्रामीणों के द्वारा विरोध भी किया गया पुलिस का और मारपीट भी की गई, हमला भी किया गया और कुछ उत्पाद कर्मियों को बंधक भी बना दिया गया। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम वहां पर गई और स्थिति को शांत किया गया और बंधकों को ग्रामीणों से मुक्त कराया गया।
मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि उत्पाद विभाग के द्वारा की गई मारपीट के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा उनके बयान पर कोपा थाना में कांड संख्या 206/23 धारा 302 का कांड दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ सदर अस्पताल छपरा में कराया गया है। पुलिस अनुसंधान के अतिरिक्त इस पूरे मामले में जांच के लिए और उत्पाद टीम पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी कराई जा रही है। उत्पाद टीम पर जो ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया, उनको बंधक बनाया गया, उनके सरकारी काम में जो बाधा पहुंचाई गई, उसमें उत्पाद विभाग की सहनी लवली कुमारी के बयान पर एक कांड दर्ज किया गया जिसमें ग्रामीण लोगों को अभियुक्त बनाया गया। ये कांड संख्या 207/23 है। दोनों कांडों का अनुसंधान किया जाए। तीसरा, एक सोशल मीडिया पे सूचना जो आई थी वो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। 8 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे मुजफ्फरपुर जिला के फकुली ओपी अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति की चपेट में एक्सीडेंट हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पर सब के कुछ हिस्से को नहर में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ, उसकी तुरंत जाँच कराई गई। इस घटना में जो भी कार्रवाई दिख रही है वह नियम और कानून सम्मत नहीं है, वो अमानवीय प्रतीत हो रही है। हमने इसको पूरी गंभीरता से लिया और इस वीडियो में दिख रहे तीनों पुलिसकर्मी को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हमने गंभीरता से की है। चालक सिपाही को, जो पुलिस का है, उसको निलंबित कर दिया गया है और जो दो वहाँ पर गृहरक्षक थे जो सिपाही की वर्दी पहनते हैं, तो उन दो गृहरक्षकों को ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध बिहार होमगार्ड एक्ट के तहत इनके होमगार्ड से डिसमिस करने की कार्रवाई, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि इनके बॉन्ड पेपर को कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी, और वो सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। फकली ओपी प्रभारी जो घटना स्थल पर उस समय नहीं थे परंतु जिनके जिम्मेवारी बनती है, उनसे भी स्पष्टीकरण की मांग की गई। अब इन पूरे प्रकरण की जांच करा करके जो गंभीर कार्रवाई है हम लोग इनके विरुद्ध में आगे करेंगे। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन, ट्रक या और कौन सा वाहन था, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पर पुनः ओपी थाने की फिर बाकी पुलिस दल वहां पहुंचकर फिर शव को कब्जे में ले करके इंक्वेस्ट की प्रक्रिया करके शव का जो हिस्सा सुरक्षित बचा था उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में फकली थाना कांड संख्या 543/23 दर्ज कर दिया गया और इसका हम लोग अब अनुसंधान कर रहे हैं। इधर गत दिनों में पुलिस के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है अपराध नियंत्रण की और विधि व्यवस्था संधारण की, उसमें जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। इधर हाल के 2-3 दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें पटना, औरंगाबाद, अररिया, रजौली, अररिया के भरगावा, भागलपुर के बरारी, नवादा के वाजलीगंज थाना में कार्रवाई की गई। पटना के अगम कुआं में 7 अक्टूबर को बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात हथियार तस्कर पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। उसमें 210 जिंदा कारतूस, मैगजीन और अन्य सामान बरामद किए गए। 8 अक्टूबर को एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा औरंगाबाद पुलिस के सहयोग से हथियार तस्कर धनंजय कुमार, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मैगजीन और अन्य सामान बरामद किया गया। अररिया के फारबिसगंज में 6 अक्टूबर को जिला के टॉप 10 में शामिल वांछित कुख्यात अपराधकर्मी मंतोष मांझी को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया, इसके विरुद्ध 6 कांड दर्ज। चौथी उपलब्धि नवादा के रजौली जिला में, जहां अपराध करने से पूर्व अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जहां पर 5 अक्टूबर को फुलवरिया डैम के पास संदिग्ध लोगों के जमावड़े पर पुलिस वहां पहुंची और 5 अपराध कर्मियों को देशी कट्टा 4 और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। अररिया के भरगामा में
बंधन बैंक के कर्मी 5 अक्टूबर को जा रहे थे, उनसे बैंक का पैसा लगभग 30,500 रुपये लूटा गया। इस लूट कांड का उद्भेदन पुलिस के द्वारा कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है और उसमें देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और लूटे गए 30,000 रुपये में से लगभग 11,500 रुपये बरामद भी कर लिए गए। भागलपुर के बरारी में 7 अक्टूबर को बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधकर्मी वहां पर जुटे थे, उसमें से 2 अपराधकर्मियों सूरज ताती और शिवम ताती को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के विरुद्ध बहुत सारे कांड पहले से दर्ज। नवादा के वारिसलीगंज थाना अंतर्गत साइबर अपराध के बहुत बड़े गिरोह पर छापामारी की गई है और ये आसपास के बगीचा और बघार में बैठ करके साइबर अपराध करने का पूरी तंत्र बना के रखे हुए थे और इनके द्वारा लकी ड्रॉ का प्रलोभन करके या फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के पैसे की ठगी करते थे। इसमें से 6 कीपैड मोबाइल, 19 एंड्रॉयड मोबाइल और का बहुत सारा डेटा, नोटबुक इत्यादि बरामद किया गया। पूरे गिरोह का वहाँ पर उद्भेदन किया गया। इस प्रकार से इधर हाल के दिनों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसको हमने आपके सामने रखा हुआ। थैंक यू। 200 इंस्पेक्टर डीएसपी में प्रभार दिया जाना था, उसमें क्या? सबसे पहले सर्विस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में वरीयता का वेरिफिकेशन होना है और चूंकि इंस्पेक्टर का कैडर ज्वाइंट कैडर है, उसमें आर्म्ड पुलिस के भी इंस्पेक्टर आते हैं और जिला पुलिस के, रेगुलर पुलिस के इंस्पेक्टर भी आते हैं, तो सारी कार्रवाई में एक एक जैसे ही वो सारी प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद हम लोग ये प्रस्ताव गृह विभाग को भेज करेंगे। ये सर जानना चाहते हैं, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया था कि बिहार में कई दूसरे प्रांतों के भी अपराधी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। एक सवाल है कि पूरा गैंग कैसे, इनका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा था और कहाँ के लोग जुड़े हुए, कि झारखंड का भी इसमें कनेक्शन की बात सामने आई है, क्या है प्रॉब्लम? देखिये, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, इन तीनों जगहों पर साइबर जो हमारी टीम है आर्थिक अपराध इकाई की, वो लगातार उसका वेरिफिकेशन भी करती रहती है और वहाँ पर जिस तरह के इक्विपमेंट और जिस तरह की कनेक्टिविटी के आधार पर उनको सूत्र मिलता है वो लोग छापामारी करते हैं। इसमें कुछ बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई हैं लेकिन ऐसा लगता है कि फिर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा अब शहरी क्षेत्र से छोड़कर ग्रामीण और जो दूर दराज के इलाके हैं, खेतों के, बगीचे के, उसमें बैठ करके इस तरह का अपराध कर रहे हैं, तो आर्थिक अपराध की टीम और जिला पुलिस की टीम उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और किस तरह से वो सारा आर्थिक अपराध और साइबर अपराध का अंजाम कर रहे हैं उस पर हम लोगों की निगरानी है। आगे भी हम लोग इस तरह का ऑपरेशन करेंगे और आसपास के जिलों में जहाँ भी इस तरह के यंग अपराध कर कार्रवाई करने की योजना बनाना चाहते हैं या अपने ग्राहकों को फंसाना चाहते हैं उस पर हम लोगों की नजर है। यहाँ पर मैं एक चीज फिर से आपके सामने कहना चाहता हूँ जो उस दिन मैंने कही थी, युवा लोगों के लिए बिहार पुलिस लगातार संदेश दे रही है अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने का। वो लड़के जो है साइबर अपराध से जुड़े हुए लड़के, कई बार ये देखा गया है कि वो कुछ ना कुछ तकनीकी डिग्री ले लेते हैं और तकनीकी डिग्री के माध्यम से अपने आप को समझते हैं कि हमने किसी को हैक कर दिया या किसी को बेवकूफ बना दिया तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। असली उपलब्धि तब है जब आप इस तरह की किसी तकनीकी जॉब में जाएं। अभी आपने देखा किस तरह से देश ने अपना चंद्रयान, मंगलयान और अब भास्कर यानी सूर्य की तरफ नजदीक जाने के लिए जो रॉकेट बनाए हैं वो भी किसी न किसी साइंटिस्ट और तकनीक का ही कमाल है। तो पॉजिटिव दिशा में बच्चे सोचेंगे तो पॉजिटिव काम होगा। अगर इस तरह की सोच रखते हैं और किसी को कोई इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है तो अपने पुलिस अधीक्षक से मिलें, अपने जिला पदाधिकारी से मिलें, वहां पर जाएं और बताएं कि हमको इस तरह का काम करना है, तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ ना कुछ सही रास्ते नहीं है और ये कहीं से उचित भी नहीं है और कहीं से लाभ भी नहीं देगा। अल्टीमेटली वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और जेल की हवा खानी पड़ेगी, उनका करियर भी खराब होगा, नाम भी खराब होगा और अल्टीमेटली वो गिल्ट में रहेंगे। सर, एक प्रश्न इसी से संबंधित है सर, कि लगातार नवादा जिला जो है सर कहते हैं कि
साइबर क्राइम का हब बना हुआ है, उससे सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे शेखपुरा आपने बताया, शेखपुरा नालंदा, तो सर उसको जड़ से समाप्त करने की क्या योजना बन रही है? मैंने जो आज कहा इसको फैलाइए, जड़ से समाप्त करने की दिशा में ये भी एक कार्रवाई। हम लोग जेल 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 भेजेंगे, जेल भेजेंगे एक उपाय, लोग वो अपराध न करें ये अपील। जो लोग इसमें अवैध कमाई कर चुके हैं उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती? संपत्ति की जांच करने के लिए कार्रवाई की गई है और आईटी एक्ट में भी प्रोविजन है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी प्रोविजन है, उसके तहत कई सारी संपत्तियों को जब्त करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद कई यूट्यूबर जातीय उन्माद फैला रहे हैं, उन लोगों पर नजर है या नहीं? कोई भी इस तरह का कोई भी उन्माद फैलाएगा सोशल मीडिया पर, विषय कोई भी हो, अभी हम लोग पूरी निगरानी रखे हुए हैं, 24 घंटे हमारी कार्यरत सोशल मीडिया की टीम और लगातार पर्व त्योहारों पर या अदरवाइज शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई। कार्रवाई करेंगे, आपको बताएंगे। सर, सिपाही भर्ती में प्रशिक्षण दिया जाता है सिपाही जो भर्ती करते हैं, मगर चालक सिपाही 2017-19-22 बैच की अगर बात किया जाए तो उनको जो पुलिस बुनियादी जो रहता प्रशिक्षण जो दिया जाता है मगर आज तक नहीं दिया गया। नहीं, आप मैं आपको बता देता हूँ, प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता, प्रशिक्षण के तरीके और प्रशिक्षण कब देना है उसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। जो भी हमारे ड्राइवर हैं या किसी भी और कैडर के लोग हैं उन सभी को हम लोग प्रॉपर पुलिस का प्रशिक्षण निश्चित रूप से देंगे, सबका शेड्यूल बना हुआ। मेरे पास में कुछ आंकड़ा है, मैं आंकड़ों के साथ आपकी बात रख देता हूँ, डिटेल तो मैं फिर और बताऊंगा। आपने कहा कि शराबबंदी को लेकर के किस तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और 1 अप्रैल 2016 से लगातार शराबबंदी पुलिस की प्राथमिकता में से एक है, हमारे इन्फोर्समेंट का भी विषय है और पूर्ण नशाबंदी एक हमारा संकल्प भी है कि पुलिस किस तरह से अपना इस पर कार्रवाई करे। जो हम लोगों ने पुलिस दिवस मनाया था फरवरी में, उसमें भी हम लोगों ने जन जन की ओर बढ़ते कदम के तहत जो हम लोगों ने गांव गांव जाकर के अपना अभियान चलाया था उसमें भी 2-3 बातें रखी थी। एक तो ये रखा था कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं जिससे आपकी जीवन बचेगा, और दूसरा हमारा उसमें ये भी था, अपील थी कि नशाबंदी में अपना योगदान करें, नशा ना करें, नशा आपके लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी है और कानूनन भी गलत है। जहां तक आपने बात कही तो मैं आपको बता दूं, 2022 में फुल ट्रक लोड और कंटेनर जो शराब के आए 364 बरामद किए गए, साल में दिन होते हैं 365, यानी पर डे एक ट्रक एक कंटेनर बिहार पुलिस ने बरामद किया। 2023 में अगस्त तक अभी तक 319 ट्रक कंटेनर को हमने बरामद किया। ये हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बेहतर रणनीति है कि हम लोग अब ट्रक कैसे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, उसको हम लोग डिटेन करते हैं और ये डिटेन करने का बिहार में इसलिए है कि हमारे यहाँ पे कानून लगा। इसी तरह से अभियुक्तों को सजा भी दिला रहे हैं। 2021 में 248 कांडों में 310 लोगों को सजा दिलाई गई। 2022 में 368 कांडों में 459 लोगों को सजा दिलाई गई। अगस्त 23 तक का जो आंकड़ा है उसमें 145 कांडों में 190 मामलों में अभी तक सजा दी गई है। कई मामले मैच्योर हो गए हैं, शीघ्र ही उसमें जजमेंट आएगा। तो अभी तक हम कहें कि 21, 22 और 23 लगभग 2.5 साल में 1522 लोगों को हमने सजा दिलाई। राज्य से बाहर के जो बड़े तस्कर हैं, राज्य से बाहर की गिरफ्तारी दोनों का आंकड़ा हम लोग रखते हैं। राज्य से बाहर के जो बड़े शराब तस्कर हैं उसमें 2021 में 34, 2022 में 115 और 2023 के अगस्त माह तक 63, यानी कुल 212 शराब के बड़े तस्करों को राज्य से बाहर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। राज्य के बाहर के अन्य पीने वाले या ड्राइवर
या खलासी या और भी लोग गिरफ्तार होते हैं, अगर वो आंकड़ा हम लोग देखें तो 2021 में टोटल 2046 लोग गिरफ्तार किए गए, 2022 में 2611 लोग गिरफ्तार किए गए और 2023 अगस्त में 1353 लोग गिरफ्तार किए गए जो राज्य के बाहर के थे। अगर 2016 जब से शराबबंदी लागू हुई तब से बात करें तो राज्य के बाहर के कुल 11272 लोगों को हमने गिरफ्तार किया जो राज्य के बाहर के लोग थे। अगर प्रदेशों की बात करें तो कुल 12 प्रदेश राज्य के बाहर मतलब बिहार के बाहर के हैं जहां से अधिक गिरफ्तारियां हुई। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लगभग 4000, झारखंड के लगभग 3000, हरियाणा से 1000, उसमें नेपाल भी शामिल है, नेपाल हालांकि राष्ट्र है लेकिन उसको भी काउंट करें तो 630 नेपाल से, पश्चिम बंगाल से 919, दिल्ली से 240, पंजाब से 374, राजस्थान से 379, मध्य प्रदेश से 103, महाराष्ट्र के 49, छत्तीसगढ़ से 37, उत्तराखंड से 32, अन्य राज्यों से 180। तो ये 12 राज्य थे जिसमें 11 राज्य हैं और एक नेपाल, इन राज्यों से हमारे अधिकतर लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुल 11000 लोगों। जो 63 लोग इस साल अभी गिरफ्तार हुए हैं जो बड़े माफिया हैं उनमें जो गिरफ्तारी हुई है उसमें झारखंड के 23, हरियाणा के 19, उत्तर प्रदेश के 7, पंजाब के 5, पश्चिम बंगाल के 3, राजस्थान के 3, असम के 2, दिल्ली के 1, कुल 63। तो कुल मिलाकर के लिकर इन्फोर्समेंट पर इन 10-12 जो बड़े राज्य हैं जहां से बड़े तस्कर आ रहे हैं, जहां के लोगों की गिरफ्तारी हुई, लगातार हमारी पुलिस टीम बहुत मेहनत कर रही है और मेहनत करने के बाद में इन राज्यों से जो खेप आती है उसकी इंटेलिजेंस गैदर करना, उस पर कार्रवाई करना लगातार हम लोग कर रहे हैं और इन सब की गिरफ्तारी हो रही, हम लोग इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। शराबबंदी के कारण जो माफिया, उन माफिया के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित कर दी गई है उसमें PMLA के तहत हम लोगों ने शराबबंदी के बाद उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भी भेजा है। उसमें 2 अपराध कर्मियों की संपत्ति जब्त कर दी गई है ईडी ने। उसमें एक मामला है राजकुमार यादव गया, जिनकी जब्त पर संपत्ति है 9.26 करोड़। संजय सिंह भोजपुर, इनकी संपत्ति जब्त हुई है 1.31 करोड़, ये जब्त हो चुकी है। उसके अलावा 32 मामले जिनकी हमने संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव विधिवत बना करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया। इन 32 मामलों में अलग अलग राशि है, सबसे ज़्यादा राशि है 2.48 करोड़ की और अन्य बहुत सारी राशि है, कुल मिला के लगभग 33 करोड़ 92 लाख, यानी 34 करोड़ रुपए की राशि जब्त करने का प्रस्ताव इन 32 मामलों में हमने पुलिस में भेज दिया। और 34 टोटल है, इसमें 2 की जब्त हो गई, आपका क्रमांक ऊपर से चल रहा है, तो 34 कुल थे उसमें 2 की जब्त हो गई है तो 32 बचे, इस 32 की राशि है 33 करोड़। तो 34 ये सभी बिहार के हैं इसमें। एक मिनट, अरे आपका सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। एक विश्वजीत सरकार है उर्फ बासुदा दार्जिलिंग के हैं और एक रविंदर कुमार उर्फ बिंदर रेवाड़ी हरियाणा के हैं 2, और एक जितेंद्र नागर उर्फ जीते फरीदाबाद हरियाणा के हैं 3, एक संजय मनोज और संदीप भदानी कोडरमा के 4। ये लोग हैं राज्य के बाहर के, चूंकि ईडी उन राज्यों में जाकर के भी संपत्ति जब्त कर सकती है, उनकी जो प्रक्रिया है तो ये सब हमने कार्रवाई की है, हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। विशेष टीम हमारी लगी हुई है, उस टीम के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। 32 में सप्लाई व्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है और लोगों के शेयर भी खराब हो रहे हैं।
मैं आपको बता देता हूँ, आपने आपने जो प्रश्न पूछा मैं एक अपील के रूप में सबके सामने रख देता हूँ। शराब पीना पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है। चिकित्सकों की राय में यंग बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, किसी भी एज ग्रुप में शराब पीना आपके लिए हर तरह से नुकसानदायक है। लीवर से लेकर के आपके हृदय को, सभी तरह के रोगों को ये पैदा करता है।